चिप्स के पैकेट में देखिएगा, नाइट्रोजन गैस भर देता और उसमें चार गो चिप्स भर देता है, समझना क्या गिनेगा, चार गो चिप्स आधा उसमें क्या भर देता है, गैस, और उसमें तनी सा कुछ पांच गो रह गए कौन जी चिप्स, और उसमें लाल रंग का चिप्स तो हरिहर चिप्स तो टमाटो चिप्स तो ये चिप्स पीरा पियरका करिका ललका ये सब चिप्स का पैकेट रहता है। उस चिप्स के पैकेट में जब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तो उस नाइट्रोजन गैस के बाहर, उस चिप्स के पैकेट के बाहर वायुमंडल का दबाव रहता है, इसलिए चिप्स का पैकेट में देखिएगा ना थोड़ा थोड़ा जगह रहता है, कंप्लीट टाइट नहीं रहता, एकदम फटिए जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट एकदम कड़कड़ा के हवा भर देगा तो बलून की तरह फट जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा जगह रहता है। चिप्स रखी हो लोग, तुम लोग कोई अभी तो रख ले होगी, कोई लाओ दिखा, लाओ लाओ, खुलता नहीं और बड़ा पैकेट नहीं है किसी के पास, हाँ नहीं रखी हो लोग, देखो हाँ चलो देखो लड़की लोग कितना दलिदर होता है, खा जी बचपन में आदमी स्कूल में ले जाता तो ललचा के खाता था, चलिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या भरा हुआ है, नाइट्रोजन, क्या भरा है नाइट्रोजन, लेकिन देखिए अभी भी ये क्या है ना प्लास्टिक पचक जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ना इसमें ना क्या है अभी भी नाइट्रोजन का कुछ जगह है, तो इतना ही नाइट्रोजन एनफ है उसमें, नाइट्रोजन इसे खराब होने से क्या करता है बचा ले। अच्छा इसकी ये पचक जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है तो ये क्या हो जाता है पचक पचक जाता है, पूरा कड़कड़ा के नहीं भरा है लेकिन अभी भी इसमें हवा भरने का जगह है, इसके ऊपर क्या लग रहा है वायुमंडलीय दाब। अगर हम हवा में ऊंचाई पे जाएंगे तो हवाओं को तो हम नीचे छोड़ दिए, तो इसके ऊपर लगने वाले हवाओं का दाब वो तो कम हो जाएगा, जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज उड़ता है 37,000 फीट पर, कितना फीट पे, 37,000 फीट पे, तो हवाई जहाज में जब आप चिप्स का पैकेट लेके बैठिएगा ना ये, तो इसके ऊपर लगने वाले हवाओं का दाब क्या हो जाएगा कम, क्योंकि जो हवाएं दाब लगा रही थी उसको तो आप नीचे छोड़ दिए, तो ऊपर हवाओं का संख्या क्या हो गया कम हो गया, तो दबाव लगेगा कम, एकदम टंटना के फूल जाता है, एकदम लगेगा कि तीन गुना हवा भर दिया, लगेगा फट जाएगा अभी, एकदम मैक्सिमम हो जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर का नाइट्रोजन जो होता है ना ढकेलता है, किधर गया वायुमंडल, आओ तो देख लेते तुमका, और जैसे जहाज लैंड करेगी वायुमंडलीय दाब फिर आ जाएगा, कहेगा कौन सी बोल रहा था ऊपर तू, कौन सी बोल रहा था तुम, नहीं समझ आए, तो ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब में चेंजिंग आता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक जो होता है ना कॉमन हो जाता है, ऊंचाई पे जाने पे ना हमारा स्वाद का भी तरीका क्या हो जाता है बदल जाता है, हम अमूमन थोड़ा ज़्यादा नमक खाएंगे, जितना नमक आपको ठीक लगता है उसमें 30% ज़्यादा झोंक दे तो खाना खा पाएंगे, लेकिन हवाई जहाज में एक्स्ट्रा झोंक देता है, इसलिए हवाई जहाज का खाना ही अलग रहता है, और जब एकदम उड़ जाती है टेक ऑफ कर जाती है तभी खाना देता है, नीच अगर जहाज लेट हो गई है नीचे बैठल रह गए नहीं देगा, कहेगा चुचराई गरियाएगा कि नमक झोंक ले, समझा कि नहीं गया, और हाइट पे चल जाएगी ना तब ले आएगा ये खाइए, उसमें बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए, जैसे कोरोना में कैसे टेस्ट बदल जाता है, उसमें ऊंचाई पे थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, तो इसमें कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस।